सरजापुर में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा पहुंचे। विशेष अतिथि के रूप में विधायक कैलाश कुशवाहा मौजूद रहे। पौरी क्षेत्र के सरजापुर में रविवार को क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री भारत सिंह कुशवाहा एवं विशेष अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक कैलाश कुशवाहा, महासभा के जिलाध्यक्ष दीनू कुशवाहा, प्रांतीय कुशवाहा समाज जिलाध्यक्ष शिशुपाल कुशवाहा, रूपा कुशवाहा, नंदकिशोर कुशवाहा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका ममता कुशवाहा द्वारा की गई। कार्यक्रम का आयोजन सरजापुर कुशवाहा समाज द्वारा कराया गया, जहां सर्वप्रथम अतिथियों ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा बोले, महापुरुष वही होता है जो सर्व समाज के हित की बात करता है। माता सावित्रीबाई फुले ने सर्व समाज के हित में आवाज़ उठाई, यही नहीं उन्होंने महिलाओं को उनके शिक्षा सहित अन्य अधिकारों को लेकर अनोखा अलग जगाया है। पौरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो सर्व समाज के लिए जीते हैं, महापुरुष किसी न किसी समाज में जन्म जरूर लेते हैं। महापुरुष की उपाधि ऐसे ही नहीं मिलती है, महापुरुष की उपाधि उसी शख्स को मिलती है जो सर्व समाज के लिए करता है, सर्व समाज के लिए जीता है, एक जाति विशेष के लिए नहीं। माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय कितनी खराब स्थितियां होंगी जब हमारी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का ऐसा बताते हैं कोई अधिकार नहीं था महिलाओं को। माता जो कि हमारी राष्ट्रमाता भी हम कह सकते हैं, हमारी भारत की पहली शिक्षा देवी कह सकते हैं, हमारी माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे कुशवाहा समाज की शान सम्माननीय आदरणीय माननीय हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी का हम पूरी विधानसभा की ओर से स्वागत करते हैं। उनके साथ चलकर आए हमारी बहन ममता जी और हमारे यहाँ के सरपंच साहब, हमारे गुरिचा के जनपद सदस्य हमारे नंदकिशोर जी, बनबारीपुरा के सरपंच हमारे रूपा भाई, हमारे चिलावत के सरपंच भाई।